तो हम बात कर रहे हैं बैरोमीटर की। पूरा नाम है टॉरीथर मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये इस तरह की डिवाइस बनाई थी इसने टॉरीथर ने कि आप एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करो। उसने क्या करा कि एक पॉट लिया, ठीक है, उस पॉट के अंदर मर्करी फिलअप कर दी। क्या कर दिया? मर्करी। समझ में आ रहा है? एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब टाइप लंबी सी ले ली, स्ट्रो भी बोल सकते हो, और एक तरफ से आप उसको अंदर ले गए और इस तरह से अंदर घुसा दिया पूरा, कि सारी जितनी भी एयर थी वो बबल्स की फॉर्मेट में क्या हो गई? बाहर निकल गई। निकलने दिया और अंदर एक भी बबल नहीं है एयर की, उसको अंदर ही घुमाया और उसको सीधा यूं ऊपर उठाने की कोशिश की, जैसे हम पानी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कई बार नहाते वक्त, वैसे ही। तो जैसे जैसे उठाता गया मरकरी अपने आप उसमें एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसमें ऊपर चढ़ने लगी, ऐसे तो चढ़ने लगी। धीरे धीरे उठाता रहा उठाता रहा और दम लगाया उठाया, तो ऊपर एक लिमिट के बाद वो मरकरी नहीं चढ़ रही थी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जितना था उतना बैलेंस हो चुका था। अब इतना एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कि वो और ऊपर तक ले जा सके, तो अपर एरिया में क्या बनने लग गया? वैक्यूम। सही है, तो अपर एरिया में ऑलमोस्ट वैक्यूम बनने लग गया, ठीक है ना? 100% तो हम नहीं बोल रहे लेकिन ऑलमोस्ट बन गया। तो इट इज यूज फॉर कैलकुलेट एटमोस्फेयरिक प्रेशर। एटमोस्फेयरिक प्रेशर यहां पर है और यहां पर मरकरी है, और ये मरकरी एक हाइट तक जा रही है। हमने वो हाइट मेजर कर ली एच और लिख दिया मरकरी के लिए हाइट एच आ रही है। तो इट इफ वी आर यूज मेजरिंग एट सी लेवल देन एटमोस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1। भाई हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह करेंगे, अलग अलग एटमोस्फेयर प्रेशर रहेगा। एटमोस्फेयरिक प्रेशर सी लेवल पे एटमोस्फेयरिक प्रेशर की 1 atm रहेगी। किसी माउंटेन पे चले गए आप तो वहां पर हो सकता है 3/4 रह जाए, और ऊपर चले गए 1/2 atm रह जाए। तो इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि एटमोस्फेयरिक प्रेशर यानी सराउंडिंग प्रेशर कितना है। अब अगर वो 1 atm है तो फिर हमने क्या देखा आगे? इन केस द लेंथ, इन दिस केस यानी ये है, इन दिस केस हाइट ऑफ एच जी कॉलम इज 66 cm यानी कि 760 mm। तो हमने क्या बोल दिया? वी कैन से दैट 760 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 atm, और ऑफ mm ऑफ एच जी इसका पूरा नाम है, यहां हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, 1 atm। आ गई बात समझ में? तो यानी वी कैन से 760 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 atm। तो हमारे लिए mm अपने आप में हाइट की यूनिट है, लेकिन अगर mm के बाद एच जी लग जाए तब वो प्रेशर की यूनिट हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, mm किसकी यूनिट है? हाइट की, लेंथ की। लेकिन अगर mm ऑफ एच जी लग गया तो वो लेंथ की यूनिट नहीं है, वो किसकी हो गई? प्रेशर की। समझ में आ रहा है? तो वी के 1 atm कैन वी यूज 1 atm कैन यूज मेजरमेंट यूनिट प्रेशर। तो यहां पर हमारे पास mm ऑफ एच जी जो हमने हटाया वो यहां पर फिफ्थ पॉइंट बनेगा। mm ऑफ एच जी यूज कैन बी यूज एज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रेशर एंड हाइट ऑफ दिस। तो ये अपने के कोई इतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, हम बस सिंपल सा यूज कर सकते हैं जो हमने बोला, और हमारा काम आ सकता है फिफ्थ नंबर पे पॉइंट जो हाइट ऑफ कॉलम है। वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर को आप क्या नाम दे रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को आप नाम दे रहे हैं एटमोस्फियरिक प्रेशर। इफ एच जी इज रिप्लेस बाय एच टू, अगर मैंने यहां पर मरकरी की जगह एच टू रिप्लेस कर दिया, देन हाइट ऑफ एच टू कॉलम इज, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं एच वन डी वन जी इक्वल टू एच टू डी टू जी, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल बराबर होगा। तो यहां एच टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एच टू का मतलब हाइट ऑफ वाटर कॉलम, एच मरकरी कॉलम, डेंसिटी मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और एच कॉलम हमारे पास ऑलरेडी हम 760 निकाल चुके हैं, 13.6 डेंसिटी ऑफ मरकरी, वाटर की डेंसिटी 1, कैलकुलेशन करा 10,000 mm आया, मीटर में कन्वर्ट करा 10 मीटर आया। समझ
समझ में आया? तो ये हमारे पास आ गया 10 मीटर, यानी आप सोचो कि वाटर ले लेंगे जाए तो 1 ATM 10 मीटर, तो मैं क्यों नहीं वाटर ले सकता? दो रीजन, एक मेरे हार्ट 10 मीटर, यानी ये कॉलम 10 मीटर ऊंचा हो गया, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे को थर्ड फ्लोर तक जाना पड़ेगा, 10 मीटर का मतलब थर्ड फ्लोर तो हो ही गया ये मान के चलो, तो बहुत लंबा कॉलम हो जाएगा, इतना बड़ा कॉलम बनाना भी मुश्किल है। दूसरा, और वाटर लेने पे वाटर की वेपर भी बनती है जो कि एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं बनने देती, तो हमारे वहां पर भी एक्सपेरिमेंट में एरर आएगी, तो इसलिए मैं वाटर नहीं ले सकता। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी लेता जाऊंगा कॉलम उतना ही कम आएगा, और जितनी कम लूंगा डेंसिटी उतना ही कॉलम की हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? इसलिए मरकरी मेरे लिए बेस्ट है। मरकरी की डेंसिटी अपने आप में किसी भी और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड नहीं है, और इसके साथ दो प्लस पॉइंट है, वेपर भी नहीं बनाता और डेंसिटी भी ज्यादा है दोनों, और ट्रांस बिल्कुल, तो ये दोनों हमारे बेनिफिट हैं। और हम जानते हैं इस जगह प्रेशर जो होगा वो इस जगह के बराबर होगा, और हमारे लिए ये जो प्रेशर है HDG, यही हमारे लिए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, वो हम कर चुके हैं अच्छे से, तो ये चीज समझ में आ गई। तो बैरोमीटर का कंसेप्ट यही है कि हम किसी भी जगह पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं बिना बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बगैर, कितना आसान रहेगा। आज हमें यहाँ का करना है, कर सकते हैं। आप ही बताइए कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर, हम चंद्रमा पे चले जाते हैं, वहां एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? वैक्यूम में, वहां तो 0 ATM है, तो क्या होता? क्या ये ऊपर चढ़ पाता? नहीं। कहाँ रहता ये? बिल्कुल प्लेन में। तो वहां प्रेशर क्या आती है? हाइट 0 mm, 0 mm आती है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है वहां पर? 0। कुछ चमका? तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, बता लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर, ये एक डिवाइस है जो कि ये बताती है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्या है, यानी ये प्रेशर नहीं बताती, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर बताती है। ये डिवाइस इस तरह से बनाई गई है, तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर कैलकुलेट द डिफरेंस द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। इट कैन क्लासिफाइड बिटवीन टू टाइप्स। कैसे? दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है ओपन मैनोमीटर। ओपन मैनोमीटर के अंदर इस तरह का एक पार्ट होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये स्पेरिकल दिख रहा है आपको, ये क्यूबिक हो सकता है, कोई भी शेप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके साथ एक ट्यूब लगी हुई है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, या आप रबड़ की लगा सकते हैं, ग्लास की ले सकते हैं, जो बस दिखे, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड का नाम है मरकरी। एक पॉइंट, एक सिरा जिसको बोल सकते हो, या एक एंड जो बोल सकते हो, वो ओपन है और एक क्लोज है। दोनों तरफ से ओपन कर दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम प्रेशर हो जाएगा। हमें डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना है, तो दोनों तरफ प्रेशर अलग अलग होना चाहिए, तो एक ओपन रख दिया, एक क्लोज रख दिया, तो ये है ओपन मैनोमीटर। ओपन मैनोमीटर में हमने क्या करा, यहां देखा, यहां 1 ATM प्रेशर है इस तरफ, यहां पर हमारे पास एक पॉट है जो स्पेरिकल बनाया हुआ है, यहां पर अगर प्रेशर देखा जाए एयर में तो कितना है? 1 ATM। एयर में ऊपर नीचे जाने पे प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होता, 1 ATM 1 ATM 1 ATM, जैसे लिक्विड में आए 1 ATM, अब नीचे जाएंगे लिक्विड में अंदर प्रेशर तेजी से कम होगा, तो इस पॉइंट पे कितना होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। बेटा मैंने यहां थोड़ा सा सिस्टमेटिक बोला, यहां मैं ये बोलना चाहता हूँ नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाने पर कम होता है, नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो यहां 1 ATM है, तो इस तरफ जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब अंदर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ 1 ATM, यहाँ 1+HDG, लेकिन क्योंकि मरकरी है तो यहाँ पर 1+HDG की जगह H की वैल्यू रख के 760 का डिवाइड कर सकते हो, और जो प्रेशर यहाँ है वही यहाँ होगा, ठीक है। अब गैस के अंदर ऊपर नीचे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है तो प्रेशर P1 की वैल्यू होगी P एटमोसफियर 1+, 1 तो था ही, प्लस H। H किस में दिया हुआ है वो देखना, अगर mm में दे रखा है तो 760 का डिवाइड कर देना और इसकी रिजल्टेंट यूनिट बनेगी ATM। ये है मैनोमीटर, यानी कि आपने इस गैस का प्रेशर मेजर कर लिया इस डिवाइस की मदद से, समझ में आ रहा है? तो ये
डिवाइस मैनोमीटर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट आप एटमॉस्फेयर में ले लोगे तो दूसरा अपने आप बता दोगे, यस और नो। तो इस तरह से आप बना सकते हो। क्लोज मैनोमीटर, ये अब आपके पास डिफरेंस बताएगा। कैसे? आप जानते हो, मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया P2, ठीक है, आपको P1 बताना है। सपोज P2 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 P2, यहां तक P2 रहेगा, फिर यहां पर P2 रहेगा, तो इस पॉइंट पे भी P2 रहेगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। अब आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो, तो P2 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना ऊपर जा रहे हो? H डिवाइडेड बाय 760, इतना ऊपर गए क्योंकि मरकरी है, तो यहां प्रेशर इतना आ जाएगा और वो P1 के बराबर होगा। तो क्या आप बता सकते हो यहां पर कौन ज्यादा है, P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? P2 ज्यादा है। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी इस जगह? H अपॉन 760, सही है। इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ आपको P2 निकालना है। यहां पर सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट हुए? 180। P2 और P1 दोनों निकालना है यहां। ये इस तरह का है कि ये वाला पार्ट ओपन का है और ये वाला पार्ट क्या है? क्लोज आ गया है, यानी ओपन और क्लोज दोनों को एक साथ लिया गया है। तो सबसे पहले P1 निकालना है 180 में, बोलो है या नहीं है? 1 में इस जगह, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, इस जगह तक 1 है। अब आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। प्रेशर बढ़कर कितना होगा? 1 प्लस H1 अपॉन 760। लेकिन ये तो तब होता जब मरकरी होता, मरकरी नहीं है, इंटू D1 अपॉन 13.6, ये हो गया P1। ये हमने पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में, तो D1 अपॉन 13.6 जिसका डेंसिटी जो दिया है। अगर हमें P2 निकालना होता तो P1 की वैल्यू तो रखी दो, H1 760 मल्टीप्लाई बाय D1 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाई प्लस, फिर ऐड होगा। यहां तक आ चुके हो आप, P1 तक, P1 की प्रेशर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, P2 पे निकाल रहे हो, तो ये P1 यहां तक तो P1 ही रहेगा, यहां इस पॉइंट पे भी P1 रहेगा। अब ऊपर जा रहे हो माइनस होगा, तो माइनस क्या रखना पड़ेगा? H2 अपॉन 760 मल्टीप्लाई बाय D2 अपॉन 13.6, आ गया आपको। तो यहां आपके पास माइनस होगा न कि प्लस, तो यहां आपको ये कंसेप्ट समझना है। तो आप रिलेटिव प्रेशर, P1 आ गया, P1 P1 यहां तक P1, यहां पर भी P1, और ऊपर जाने पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो ये है कंसेप्ट ऑफ मैनोमीटर, लिखें आप।